हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ व्रत के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्रत में। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है समा का चावल, और चावल को मैंने मिक्सी ग्राइंडर में डालकर पाउडर बना लिया था। और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर समा के चावल का पाउडर तैयार हो गया है। ये पाउडर आपको आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है, तो आप मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधा कप मैंने यहाँ पर चावल के आटे को डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप दही। दही डाल देते हैं हम इसमें। दोस्तों हम यहाँ पर जितना भी चावल का आटा का इस्तेमाल करेंगे उसके आधे क्वांटिटी में दही लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1/4 कप दही को डाल दिया है। इसके बाद मैंने जिस कप से दही लिया था उसी कप में हम पानी ले लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा पानी मैंने पहले डाल दिया है और अब हम इसे एक बार मिला लेते हैं। हम एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा बैटर का कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। इसके बाद हम बाकी का पानी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब आप देखिए ये इस कंसिस्टेंसी का आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा पतला भी नहीं है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब हम इसमें एक मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने मिक्सी जार ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देती हूँ, इसी के साथ 2 हरी मिर्च है इसे मैं काट कर डाल देती हूँ। इसके बाद 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है इसे भी मैं काट कर डाल देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिया है मूंगफली। आप चाहे तो आप मिक्सी में डायरेक्ट मूंगफली को डाल सकते हैं। आपको मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट करना है, इसके बाद आप इसका छिलका उतार कर आप डाल सकते हैं मूंगफली को। या तो फिर आप यहाँ पर इस तरह से मूंगफली को क्रश कर रख लीजिए इसे, लेकिन आप अभी मत डालिएगा, हम इसे बाद में ऐड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास ये क्रश किया हुआ पाउडर है तो आप इसे बाद में डालिएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अभी ही मिक्सी में डाल दीजिए और मूंगफली को पीस लीजिए। तो मेरे पास पाउडर है तो मैं अभी यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है जीरा। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं जीरे को। इसके बाद हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच डाल देते हैं काले मिर्च। तो इसमें 8 से 10 दाने हैं, आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को डाल लिया है, अब हम इसे डालकर पीस लेते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच ही पानी डालिएगा, उससे ज़्यादा न डालें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दरदरा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। तो ये जो हमने मसाला बनाया है इसे अपने बैटर में हम यहाँ पर डाल देते हैं। मैं इस रेसिपी में जो भी चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप उसे व्रत में नहीं खाते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, इसे डाल देते हैं, इससे काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो मूँगफली को क्रश करके रखा हुआ था इसे डाल देते हैं। अगर आपने मसाले के साथ ही मूँगफली को डाल दिया था तो अब आपको इसको डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने मसाले के साथ मूंगफली को नहीं पीसा था क्योंकि मेरे पास क्रश मूंगफली रखा हुआ था, इसलिए मैं इसे अभी डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मूंगफली को भी डाल दिया, 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे। और इसके बाद स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक डाल देंगे। आपको यहाँ पर व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए आप यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला देते हैं। और अगर आपको अपनी बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पर एक ग्रेटर लिया है और एक कच्चा आलू ले लिया है, इसे हम ग्रेट करके डाल देते हैं। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रेट करके डाल देती हूँ। हमने ये बिल्कुल कच्चा आलू ही लिया है, तो यहाँ पर हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। एक बार आलू को भी बैटर के साथ अच्छे से मिला देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर बैटर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। मुझे यहाँ पर बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। आप देख सकते हैं 1 चम्मच पानी डाल दिया मैंने। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं, हमारा बैटर तैयार हो गया है। और दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सिर्फ 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो हमारे यहाँ पर बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। मैं आपको इस बैटर की एक बार कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ना ही ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे पकाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा घी को हम गर्म हो जाने देते हैं, और जैसे ही हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए, तवा अच्छे से गर्म हो जाए,
तो हम यहाँ पर हमने जो बैटर बना कर रखा है उसे पैन में डायरेक्टली डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बैटर को डाल दिया है। अब हम पैन का लिड लगा देंगे और इसे पकने देंगे 10 से 12 मिनट तक। ये काफ़ी अच्छे से सिक जाता है 10 से 12 मिनट में, और हम इसे लो फ्लेम पे रखेंगे वरना ये नीचे से जल सकते हैं। तो 10 से 12 मिनट हम इसे लिड लगाकर छोड़ देते हैं पकने के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन किया है। आप देख सकते हैं ये ऊपर से अच्छे से सूख चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब दूसरे साइड से भी इसे हम पकाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है और अब हम पैन को प्लेट के ऊपर से इस तरह से टर्न कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली हमारा ये निकल जाता है एक से दो बार टैप करने से ही। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है, अच्छे से ये पक चुका है। और क्योंकि मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक तवा का इस्तेमाल किया था इसलिए और भी जल्दी निकल आया है। अब हम पैन में थोड़ा सा घी डाल देंगे फिर से, और घी को हम अच्छे से फैला देते हैं पैन में। आप देख सकते हैं स्प्रेड कर दिया। अब फिर से मैंने यहाँ पर नाश्ते को बैक साइड से डाल दिया है। अब हम इसे फिर से ढक देंगे और अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक और पका लेते हैं ताकि अच्छे से पक जाए। 3 से 4 मिनट के बाद ये दूसरे साइड से भी अच्छे से पक चुका है। हम इसे लिड को ओपन कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, आप इसे व्रत में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से आप धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर दीजिए। ये नाश्ता आप लोग एक बार व्रत में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। बहुत ही जल्दी बन जाता है, आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इस नाश्ते को बनाते समय नॉनस्टिक तवा का इस्तेमाल करें, वरना हो सकता है कि आपका ये चिपक सकता है नाश्ता। इस वजह से आप नॉनस्टिक तवा का ही इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।